बिहार में आज हो जाएगा बहुमत का फैसला। दिग्गजों के बीच आज होगा चुनावी घमासान। 17 जिलों की 94 सीटों पर जनता चुनेगी सरकार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसका होगा बिहार? बिहार की चुनावी लड़ाई अब सबसे रोमांचक दौर में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि आज बिहार के 2,85,00,000 मतदाता 1,463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सुनाने वाले हैं। और इस फैसले के साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि 10 नवंबर को बिहार में नीतीश रिटर्न्स होगा या फिर लालू के लाल का तेज दिखेगा, क्योंकि पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान हो चुके हैं और आज दूसरे चरण की 94 सीटों पर वोटिंग है। दोनों चरण की सीटों को मिलाकर 165 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा, जो 243 सीटों वाले विधानसभा में बहुमत से 43 सीट ज्यादा है। इस चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के अलावा बिहार सरकार के 4 मंत्रियों की किस्मत का फैसला दूसरे चरण में होगा। दूसरे चरण के मतदान में सबसे ज्यादा आरजेडी की धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि आरजेडी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में आरजेडी के 56, एलजेपी के 52, बीजेपी के 46 और जेडीयू के 43 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि हर पार्टी के दिग्गजों ने दूसरे चरण का किले को फतह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एनडीए के लिए पीएम मोदी ने 7 रैलियां की। नीतीश कुमार ने भी 41 रैलियों के सहारे 17 जिलों को नापा। अपने 24 उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी ने 2 जिलों में सिर्फ 2 रैलियां की। योगी आदित्यनाथ ने बिहार के 6 जिलों में 6 रैलियां की, लेकिन रैलियों के मामले में तेजस्वी नंबर 1 रहे। उन्होंने सभी 17 जिलों में सबसे ज्यादा 88 रैलियां की। चिराग पासवान ने भी 13 जिलों में 30 सीटों पर जनता से वोट मांगा। इस बार चुनावी टक्कर पहले से ज्यादा जोरदार होने वाली है, क्योंकि 94 में से 42 सीटें ऐसी हैं जहां जेडीयू और एलजेपी के बीच सीधी टक्कर है। 27 सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवार एक दूसरे को सीधी चुनौती दे रहे हैं। वहीं 25 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी के बीच चुनावी जंग होने वाली है। बिहार में चुनावी जमीन तलाश रही कांग्रेस 12 सीटों पर सीधे बीजेपी को टक्कर देगी। 2015 में जनता ने महागठबंधन की सरकार चुनी थी, तब जेडीयू आरजेडी एक साथ थे और इस गठबंधन ने दूसरे चरण में कमल को पटकनी देकर कमाल कर दिखाया था। पिछली बार इन सीटों में आरजेडी को 33, जेडीयू को 30 और बीजेपी को 20, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। मतलब दूसरे चरण में ही महागठबंधन ने सत्ता की राह आसान कर ली थी, लेकिन तब महागठबंधन का हिस्सा रहे नीतीश फिर से एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, इसीलिए ये चुनाव पहले से भी ज्यादा रोमांचक हो गया है। ABP News, आपको रखे आगे।